आज हम लोग फाइनली भगवान जी को भोग लगाने वाले हैं। पहली बार 56 भोग। भाई साहब प्लेट पूरी गई है भर। अब ये तो हो गई मीठे की वैरायटी, और निकल रही है भगवान जी के लिए नमकीन की। ये कान्हा जी देखिए, कान्हा जी पी रहे हैं आज फ्रूटी। अबे जैसे जैसे नारियल पानी में नहीं करते ऐसे ऐसे ऐसे, मम्मी वैसे कर रही थी। कैसे आप सभी को मेरे पूरे परिवार और बी एस स्केटर्स की टीम की तरफ से आपको हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और आज है जन्माष्टमी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी जन्माष्टमी को, और क्या क्या चीज़ें अपने भगवान जी को भोग में लगाने वाले हैं। तो आज हम लोग फाइनली भगवान जी को भोग लगाने वाले हैं, पहली बार 56 भोग। 56 से भी ज़्यादा भगवान के भोग की यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो एक बार दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें आज हम लोग भगवान को भोग लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले कमेंट में राधे राधे जी लिख दीजिएगा, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे रेड वाला बटन आएगा उसको दबा दीजिएगा। आज मेरे लिए नहीं, भगवान जी के लिए आज वो रेड वाला बटन दबा दीजिएगा। और वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। और हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और सब कुछ दिखाएंगे आज। आज डेली ब्लॉगिंग और फूड ब्लॉगिंग दोनों का होने वाला है मिक्सचर, समझते हैं। चलते हैं, दिखाते हैं भगवान जी के भोग में आज 56 भोग में क्या क्या लगने वाला है। तो चलिए, तो ये अपने पास भगवान जी के भोग के लिए बालूशाही है, ढोकला है, छेना है, बेसन के लड्डू हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं, ये बड़ी मोतीचूर के लड्डू हैं, एक गुलाब जामुन है, और ये है राजभोग, और ये रसमलाई, और ये कुछ न्यू लग रही है मिठाई है भगवान जी के भोग के लिए। आज सब कुछ भोग के लिए, भगवान जी के लिए। ये भी कुछ अलग है, और चीज़ें लगाते हैं हम लोग। ये हो गए पेड़े, ये हो गई जो, और मिठाई, ये हो गई दो, और ये भी हो गई। सब मिठाइयाँ हैं क्योंकि टाइम हो रहा है पूजा का, अप्रॉक्स 12 बजने ही वाले हैं, बहुत कम टाइम है, जल्दी से पेट लगा देते हैं हम लोग। आज पहली बार भगवान जी को अपनी तरफ से 56 भोग का भोग लगाने जा रहे हैं। और अब ये हो गया भगवान जी के लिए मूंग दाल का हलवा, ये हो गई लौकी की बर्फी, अभी केक जगह कम पड़ गई, ये छोटी नहीं। ये हो गई अपनी पीछे वाली बत्ती, और ये हो गए गरी के लड्डू, और छेने को भी बाहर कर लेते हैं। तो भाई साहब प्लेट पूरी गई है भर, गिनती तो नहीं की है, भगवान के लिए जितना करिए उतना ही कम है, भगवान जी है, तब भी एक बार 56 रह गए वो कर ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9, खाना भी है भगवान जी के लिए, और भी चीज़ों की जगह बाकी है अभी। तो भाई साहब ये तो हो गई मीठे की वैरायटी, और निकल रही है भगवान जी के लिए नमकीन की। 56 भोग भी खिलाना है अपने भगवान जी को, तो कैसे नहीं खिलाएंगे। तो ये है गुजरात की फेमस गाठिया, इसमें रख दे रहे
ये मिश्री है क्या? हाँ और अभी जब पूरी प्लेट लग जाए भगवान जी की एक एक चीज की भूखी तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो और क्या हम लोगों ने, वैसे तो पूरी दुनिया ही भगवान की है लेकिन हमने क्या भारत के अलग अलग देशों की मिठाइयाँ नमकीनें और सभी कुछ मंगवाया है कि नहीं मंगवाया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अब बारी आती है भाई मछलियों की। भाई साहब भगवान जी के फल भी आ चुके हैं, एप्पल्स, पोमेग्रेनेट एंड बनानास, और इधर है खाने की प्लेट, दही बड़ा, छोले की सब्जी, सूखे आलू, पनीर की सब्जी, ये हो गया खीर आप भगवान जी के लिए, और ये हो गया दही, और ये है छाछ जो कि भगवान जी को बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है भगवान जी की। भाई साहब मटरी की भगवान जी के लिए बहुत सारी वैरायटी मंगवाई है अलग अलग जगह से, एक ही जगह से मंगवाई है लेकिन बहुत सारी मंगवाई है। तो ये है चकली, चकली वाली मटरी भगवान जी के लिए। भाई साहब हमें लग रहा है प्लेट और बड़ी बनवानी चाहिए थी, वो निकाल लेते फिर लगाते हैं। और ये है भाई समोसे, कहीं कोई कहता है ये फरुखाबाद के हैं, कोई कहता है कहीं के, कॉमेंट सेक्शन में बताना ये कहाँ के समोसे। मेरे हिसाब से तो ये फरुखाबादी समोसे ही कहे जाते हैं, इलाहाबादी। और ये है भाई साहब गोल वाली, जी पी रहे हैं आज फ्रूटी। अबे जैसे जैसे नारियल पानी में नहीं करते ऐसे ऐसे ऐसे, मम्मी वैसे कर रही थी। कैसे? जैसे नारियल पानी में नहीं ऐसे ऐसे करते, मम्मी वैसे कर रही थी। अच्छा तो आज हमारे कान्हा जी खा रहे हैं चॉकलेट, वो भी क्या कौन सी खा रहे हैं? किटकैट। हमारे मॉडर्न कान्हा जी हैं, हर तरह खाना खाते हैं। आओ कन्हैया सब भोग लगाओ। लो मम्मी ये देखिए खुल गई है। फिलहाल अभी आरती आरती सब कुछ हो चुकी है, भगवान जी को लगाया जा रहा है भोग, भगवान जी का स्नान वगैरह सब कुछ हो चुका है, भोग लगाया जा रहा है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर खाना वगैरह खा ही चुके हैं, फिर सो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लाइक कर दीजिए जब तक, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे बटन आ रहा होगा प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो गाइस मेरे पूरे परिवार, पूरी बीएस केटर की टीम से आप सबको हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, बोलो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय बाय। और कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि आप लोग किस शहर से वीडियो देख रहे हो। तो हैप्पी जन्माष्टमी। लगा रहे हैं भगवान जी को छप्पन भोग।